महाभारत में दानवीर कर्ण एक ऐसे पात्र हैं जिनके साथ जन्म से ही अन्याय होना शुरू हो गया था। क्षत्रिय राजवंश में जन्म लेने के बाद भी उन्हें आजीवन सूद पुत्र माना गया, जिसके कारण उन्हें कई बार अपमानित भी होना पड़ा। कर्ण की मृत्यु के बाद कुंती ने पांडव पुत्रों को अपने जीवन का सबसे बड़ा रहस्य बताया कि कर्ण उनकी पहली संतान थे। पांडवों में सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर को जीवन में पहली बार अपनी माता पर क्रोध आया, जिन्होंने इतने वर्षों तक यह राज छुपा कर रखा था। जब अर्जुन को यह पता चला कि कर्ण उन्हीं के ही भाई हैं, तो उन्होंने कर्ण को वचन दिया कि जिस प्रकार उनके साथ आजीवन अन्याय हुआ था, वह उनके पुत्रों के साथ ऐसा कभी नहीं होने देंगे। अब शायद आपके मन में कर्ण के पुत्रों को लेकर प्रश्न आया होगा, क्योंकि ज्यादातर टीवी सीरियल्स में कर्ण के पुत्रों का जिक्र कहीं नहीं देखने को मिलता है। कर्ण के 10 पुत्र थे। कुरुक्षेत्र के युद्ध में कर्ण के 8 बेटों ने हिस्सा लिया था। जब अर्जुन ब्राह्मण का भेष धारण कर द्रौपदी के स्वयंवर में गए थे, तो उन्हें किसी ने नहीं पहचाना था कि वह कौन है। स्वयंवर में दुर्योधन और कर्ण सहित अन्य देश के राजा भी थे, जिनमें से कोई भी मछली की आंख को नहीं भेद पाया था। जब अर्जुन की बारी आई, तो उन्होंने मछली की आंख को भेद दिया और दुर्योधन ने इसका विरोध किया। दुर्योधन के विरोध पर द्रौपदी ने अंधे का पुत्र अंधा कहकर दुर्योधन को अपमानित किया, जिस कारण उधर ही जंग छिड़ गई। दुर्योधन अपने अपमान का बदला लेना चाहते थे। कर्ण और युधिष्ठिर ने तीरों की बारिश कर दी। दूसरी ओर अर्जुन, जो ब्राह्मण के भेष में थे, उन्होंने भी तीरों की बारिश कर दी। इसी बीच अर्जुन का एक तीर कर्ण के 9 साल के पुत्र सुदामा को जा लगा, जिस कारण अर्जुन के हाथों कर्ण के पुत्र की मृत्यु हो गई। अपने पुत्र की मृत्यु के बाद कर्ण के मन में अर्जुन के प्रति गुस्से की भावना और भी ज्यादा बढ़ गई। महाभारत का युद्ध छिड़ चुका था। कौरवों और पांडवों के पक्ष के योद्धा आपस में भिड़ रहे थे। सत्यकी के हाथों कर्ण का पुत्र प्रसेन मारा गया। नकुल ने चित्रसेन, सत्यसेन और सुशीन को मार डाला। महाभारत युद्ध के 13वें दिन चक्रव्यूह में फंसने के कारण अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की कर्ण के हाथों मृत्यु हो गई। अर्जुन के मन में अपने पुत्र को खोने का बहुत ही गम हुआ, और अगले ही दिन युद्ध में जब कर्ण के 3 पुत्र शत्रुंजय, वृषसेन और दिवापत अर्जुन के सामने आए, तो उनको मारकर अर्जुन ने कर्ण से अभिमन्यु की मौत का बदला लिया। युद्ध के 14वें दिन कर्ण के हाथों भीम का राक्षस पुत्र घटोत्कच मारा गया। अगले दिन जब भीम दुर्योधन से लड़ रहे थे, तो उनके बचाव में कर्ण का पुत्र बनसेन आगे आया, जिसे भीम ने मारकर घटोत्कच का बदला पूरा किया। युद्ध के 17वें दिन अर्जुन ने कर्ण को मार दिया। कर्ण की मौत के पश्चात पांडवों की माता कुंती ने यह राज खोला कि कर्ण ही पांडवों के सबसे बड़े भाई हैं। माता, आप ये क्या कह रही हैं? कर्ण मेरा पुत्र है, मेरा वचन दे। युवराज कर्ण आपके पुत्र है माता? हाँ पुत्र। युवराज कर्ण, यह सुन अर्जुन को बहुत ही ज्यादा दुख हुआ, और उन्होंने कर्ण को वचन दिया कि वह उनके अंतिम पुत्र को उनका हक दिलवाएंगे। वृषकेतु कर्ण के इकलौते पुत्र थे, जो युद्ध में बच गए थे। मेरे हाथों कितना बड़ा दुष्कर्म हो गया ज्येष्ठ। वृषकेतु को अर्जुन ने अपने पुत्र समान ही लालन पोषण किया और उन्हें बेहतरीन योद्धा बनाया। तो दोस्तों, यह था आज का वीडियो। हमने कोशिश की है कि कम से कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान दे पाएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल ज्ञानविला को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।